हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बुक वर्क ऑफ लेसन 13, पार्ट ए. टिक द करेक्ट ऑप्शन. बेटा, थ्री ऑप्शन दिए हुए हैं, जो राइट है उसको आपको टिक करना है. कार्टून्स इज ए सीरीज ऑफ. कार्टून किसकी सीरीज होती है? ड्राइंग्स. सेकंड, द फर्स्ट टॉकिंग कार्टून क्रिएटेड बाय वाल्ट डिज्नी वाज. वाल्ट डिज्नी ने जो पहला टॉकिंग कार्टून बनाया था वो क्या था? स्टीम बोट विली. थर्ड, स्नीजी स्नीजेज ए लॉट. स्नीजी बहुत ज़्यादा छींकता है. और बैसफुल इज़ वेरी, और बैसफुल बहुत क्या है? साई, शर्मिला है. स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स वाज रिलीज इन. स्नो वाइट और सेवन ड्वार्फ कब रिलीज हुई थी? 1937 में. बी पार्ट बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स. ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको आपको फिल करना है. दिस कार्टून वाज ओनली फॉर ए फ्यू मिनट्स. यह कार्टून केवल कुछ मिनट्स का था. इन द फेरी टेल, फेरी टेल में द ड्वार्फ डू नॉट हैव देयर नेम्स. बोनो के नाम नहीं होते हैं. डॉस इज़ क्लेवर और ग्रम्पी इज़ ऑलवेज हंग्री. डॉस चतुर है और ग्रम्पी हमेशा क्रोधित रहता है. स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स वाज रिलीज इन ओवर 60 कंट्रीज. स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स जो मूवी फिल्म थी, यह 60 देशों में रिलीज हुई थी. सी पार्ट बेटा, टिक द ट्रू एंड द फॉल्स स्टेटमेंट. जो राइट है उसको राइट, जो रोंग है उसको रोंग का मार्क करना है. फर्स्ट सेंटेंस, कार्टून्स आर आल्सो कॉल्ड एनिमेटेड कार्टून. जो कार्टून होते हैं वो एनिमेटेड कार्टून कहलाते हैं. राइट. कंप्यूटर्स आर नॉट यूजफुल इन ड्राइंग कार्टून्स. कंप्यूटर ड्राइंग कार्टून में लाभदायक नहीं होते हैं. रॉन्ग. द फर्स्ट टॉकिंग कार्टून वाज क्रिएटेड बाय स्टीमबोट विली. फर्स्ट टॉकिंग कार्टून स्टीमबोट विली ने बनाया था. फॉल्स. स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ वाज रिलीज इन ओवर 60 कंट्री. ये जो मूवी थी ये 60 देशों में रिलीज हुई थी. राइट. वाल्ट डिज्नी वांटेड टू मेक ए कार्टून दैट वुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स. वाल्ट डिज्नी ऐसा कार्टून बनाना चाहता था जो कम से कम 2 घंटे का हो. रॉन्ग. बेटा, क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं. बी वर्डी का ए पार्ट देखिए. फर्स्ट है, सीन्स आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी. जो दृश्य होते हैं वो स्टोरी के अलग अलग भाग होते हैं. आर्टिस्ट आर द पीपल हु डू दीज पिक्चर्स. जो पिक्चर्स बनाते हैं वे कौन से लोग होते हैं? आर्टिस्ट होते हैं. थर्ड, करेक्टर्स आर पीपल इन द स्टोरी. स्टोरी में जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? करेक्टर्स, पात्र होते हैं. Voices are those who speak as these people. जो आवाज़ें होती हैं और ये जो लोग बोलते हैं वो किन की तरह है? As these people, जो स्टोरी में जो लोग होते हैं उनकी तरह ही वो आवाज़ होती है. Drawings are the pictures done by the people for cartoons. Drawing वे pictures होती हैं जो कार्टून के लिए लोग बनाते हैं. Animation is what makes the picture move. Animation के द्वारा पिक्चरों को मूव किया जाता है. बी, मेक मीनिंगफुल वर्ड्स बाई एडिंग ओ और डबल ओ. बेटा, कुछ वर्ड्स दिए हैं उनमें आपको ओ या फिर डबल ओ को ऐड करके वर्ड बनाना है. तो फर्स्ट बनेगा कार्टून, सेकंड थॉट, थर्ड फेमस, फोर्थ स्टोरी, फाइव गोल्ड, सिक्स वर्क, सेवन वॉइस, 8 यंग. बेटा, आज का आपका होमवर्क आपको बी वर्डी तक बुक वर्क बुक में फिल करना है और उसे लर्न करना है. थैंक्स.